गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 7 का मैथ्स पढ़ना, जिसमें अध्याय 11 ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 दिए गए जो संख्या है उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 0.53 है, तो आपको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा 0 के बाद फर्स्ट नंबर में है, हो जाएगा 5/10 + 3, दूसरे नंबर पे है तो हो जाएगा 100। इस तरह उत्तर निकालेंगे, 100 हो जाएगा, ये 50 + 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 53/100। इसका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में ये आंसर हो गया। यदि ये भाग होता है तो आप भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया है 0.4 बार, इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, P/Q = क्या करेंगे हम लोग इसको 0.4 बार, इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण नंबर ए। फिर इसको करेंगे P/Q = यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 4, 4, 4 ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, और 2 रहेगा तो 100 का, 3 रहेगा तो 1000 का, जैसे 2 मतलब ये ऐसे आएगा। इसमें क्या करोगे आप, 100 गुणा करोगे, अभी एक अंक है इसलिए आप क्या करोगे 10 का, और यहाँ पर मान लो इस प्रकार से है तो इसमें क्या करोगे आप, 1000 का गुणा करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, गुणा करने इसको इनको हो जाएगा 10 P/Q = 4.4 बार कर देना इसको, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 के संगत पक्षों से घटाने पर घटा देंगे इसको, देखो 10 हो जाएगा P/Q - P/Q, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4.4 बार, फिर माइनस क्या हो जाएगा 0.4 बार, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 9 P/Q = 4, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे P/Q = 4/9, ये इसका आंसर हो गया। यदि डिवाइड होता है तो डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे इसमें आप अंक मान लीजिए, मैं आपको गलत बता रहा हूँ, 1.23 ऐसे दिया है ऐसे, तो आप क्या करेंगे दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे, जहां 10 की हो आप 1000 का, और मान लीजिए ऐसा कि क्या करोगे आप 100 का करोगे, ठीक है। अब इस प्रकार से भी मान लो रखता है ऐसे 2 और 3 ऐसे, तो पहले 10 का इंटू करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे 100 का इंटू करोगे, इसमें क्या हो जाएगा 3 समीकरण बनेगा, तो तीसरा में दूसरा को घटाओगे, जैसे मैंने दूसरा में पहला को घटाया वैसे, ठीक। बाकी शेष क्वेश्चन को आप क्या करोगे, एक शब्दों में कार्य करोगे, ठीक है। थैंक यू।